आइए साथियों, मैं शिवनाथ कुमार आपके लिए लेके आया हूँ प्रागता का दूसरी पार्ट। इसी पार्ट में पार्ट वन और पार्ट टू में पूरी प्रागता खत्म हो जाए, क्योंकि कहा गया है कड़ी से कड़ी जुड़ जाए तो जंजीर बन जाता है, कड़ी से कड़ी जुड़ जाए तो जंजीर बन जाता है, मेहनत पर मेहनत करते जाइएगा तो तकदीर बन जाएगा, तकदीर बन जाएगा। आइए शुरू करते हैं प्रागता बराबर। कल पढ़े थे प्रागता बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम पढ़े थे ना, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता बराबर पढ़े थे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। और संभव घटना की प्रायिकता जीरो, संभव एक, प्रायिकता का अधिकतम मान एक, न्यूनतम मान जीरो। ये सब चीज हम ऑब्जेक्टिव साथ देखे थे। आइए बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में 5 लाल गेंद और 3 काली गेंद है। इस थैले में से बिना देखे एक गेंद निकालते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल है, गेंद क्या लाल गेंद, लाल गेंद और लाल नहीं मतलब लाल गेंद। तो जब भी कुछ भी दिया है प्रायिकता को बनाना है तो सबसे पहली बात पहला क्वेश्चन का हल देखिए। हल में लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या जो दिया है सबों को जोड़ ले वही कुल परिणाम हो जाता है। दिया है 5 लाल 5 लाल, 3 काली 3 काली, कुल परिणाम कितना हो गया 8। अब बोलता है पहले लाल गेंद की प्रायिकता, तो लाल के अनुकूल परिणाम ऐसे लिखिएगा, लाल के सबसे बेसी प्रायिकता में लिखना पड़ता, लाल के अनुकूल परिणाम, लाल गेंद के अनुकूल परिणाम है, लाल के अनुकूल परिणाम क्या आ जाएगा, लाल की संख्या कितनी है, बोलो लाल गेंद है 5, अनुकूल परिणाम 5। आप दूसरा में कहता है लाल नहीं के, तो लाल गेंद नहीं होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम लाल गेंद नहीं होने का अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, लाल नहीं तो काला तो जरूर है इसमें, काला 3 हो गया, लाल नहीं होने की क्या थैला में लाल नहीं तो क्या है काला, अब बोला गया 2 गेंद है लाल और काला, लाल नहीं तो क्या है काला होगा। पहला लाल गेंद की प्रायिकता, प्रायिकता क्या पढ़े प्रायिकता बराबर आप फॉर्मूला आज नहीं लिखते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल कितना है लाल का 5 है, कुल कितना है 8, यही आंसर होगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। दूसरा क्या है, लाल गेंद इनडायरेक्ट पूछा, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, वही प्रायिकता बराबर क्या होता है पी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल कितना है 3, कुल कितना है 8, यही आंसर होगी। पहला क्वेश्चन इस तरह बन गया, सिर्फ यहाँ लिखना पड़ेगा, एक बार छोड़ दिया हम अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बोल दिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन बन गया, इसको मिटा लेते हैं। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है एक पासे को एक बार फेंकने पर निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करें। एक पासा को जब फेंकेंगे ना तो कुल परिणाम पहले लिखेंगे, जब एक पासा फेंकेंगे तो बताया थे ना कुल परिणाम कितना होता है, कुल परिणाम होता है 6, कितना होता है 6, क्योंकि 6 का भी बात तो होता है घटना घटेगा। तो पहला फॉर्मूला एक अभाज्य संख्या लिखेंगे, अभाज्य के अनुकूल परिणाम, अभाज्य के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो बोले एक पासा को फेंकेंगे तो अभाज्य क्या क्या 2 है 3 है अब 5 है, ये नहीं होगा पासा में, अनुकूल परिणाम कितना हो गया 3 हो गया। दूसरा क्या है, 2 और 5 के बीच के अनुकूल परिणाम, 2 और 5 के बीच के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा 2 और 5 के बीच, देखिए 1 2 3 4 5 6 पासा में 6 सतह है और 2 और 5 के बीच में अनुकूल परिणाम कितना हो गया 3, मतलब 3 और 4 दो एक ना है 2 हो गया। और बोलता है क्या विषम के अनुकूल परिणाम, तो विषम जिसमें 2 से पूरा पूरा विषम के अनुकूल परिणाम कितना 1 3 5 ये सब क्या है विषम, ठीक है। पहला क्वेश्चन अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य
संख्या आने की प्रायिकता। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितना है अभाज्य का? तीन, अकुल कितना है? छ। तीन बटा छ यानी कि एक बटा दो आंसर काटिएगा। दूसरा, दो और पांच के बीच आने की संख्या की प्रायिकता। दो और पांच के बीच की संख्या की प्रायिकता बराबर क्या होगा? अनुकूल, अनुकूल कितना है? दो। अकुल कितना है? छ। कितना है? एक बटा। तीसरा लिख सकते हैं विषम संख्या की प्रायिकता। विषम संख्या आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल, अनुकूल कितना है विषम संख्या का? तीन। कितना है? तीन है। तीन बट्टा छ यानी कि एक बट्टा दो। ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर। फिर बात को समझ रहे हैं ना? चलिए अच्छा समझे होंगे, इसको नोट कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। एक ताश के पेटी, ताश में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। ताश चार ग्रुप में बंट जाते हैं, चिड़िया, चिड़िया, ठिकरी, ठिकरी, सिया, हुकुम का पत्ता, इसी को कहते हैं हुकुम का पत्ता। उसके बाद लाल पान, लाल पान या पान का पत्ता। सभी पत्ते 13-13 होते हैं, सभी 13-13 होते हैं। सभी कितने होते हैं? 13-13 होते हैं। चार गो एक्का, चार गो गुलमा, चार गो बादशाह, चार गो बेगी, चार गो सत्ता, चार गो अट्ठा, मतलब प्रत्येक चार चार होते हैं। ठीक है, आज प्रत्येक कलर चार कलर होते हैं, चिड़िया, ठिकरी, सिया, लालपान। सब पत्ता 13-13 होता है, सब पत्ता 13-13 का। सिया का एक का एगो होता है, अगर क्या पूछेगा तो चार गो। लालपान का एक का एगो होता है, लालपान का बादशाह एगो होता है, बादशाह पूछेगा कितना होता है तो चार होता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? बढ़िया समझिए। तो इससे भी क्वेश्चन रिलेटेड आता है एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया, चलिए ये तो और समझ गए इसको। अब आइए एक ताश की पेटी के में से सिया के आने की प्रायिकता, सिया आने की प्रायिकता। अच्छा अच्छा, ताश की पेटी ना, क्वेश्चन नंबर तीन। तो कुल परिणाम सीधे लिख लेंगे, कुल परिणाम। ताश में कत्ते पत्ता होता है? अरे बउआ 52 गो होता है। सिया या हुक्म, सिया आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। सिया कितना है बोलो? सिया होगा 3 गो या 13 गो। सिया आने का बोला कितना? 13। सीधे बोलता सिया के टिक्का, सिया टिक्का एक क्या बोलता है? एक का टिक्का चार गो है। तो सिया आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम 13 है। सिया आने की प्रायिकता, प्रायिकता, प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल मतलब घटना घटने की संभावना, तो टोटल घटना घटने की संभावना कितना है? 13। और टोटल कितना है? 52। कितना रहेगा? एक बट्टा चार हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए आइए इसको नोट कर लीजिए, आशा करते हैं कि आप समझे होंगे। आइए, किसी कारण 12 खराब पेन में 138 अच्छे पेन मिल जाते हैं, अच्छे पेन की प्रायिकता क्या होगा? तो पहला क्वेश्चन में बता दे, जो दिया है उसको लिख लो। तो चौथा नंबर क्वेश्चन, कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर हो जाएगा 12 खराब पेन प्लस 138 अच्छा पेन, इसमें मिल जाता है। एगो निकालेंगे, सबको मिला दिए हैं, एगो निकालेंगे, अच्छा आने की प्रायिकता क्या होगा? तो मिला देते मिश्र, अभी नहीं देख के निकालेंगे, ओ खराब का है, इसी को निकाल लेते, तो बोरा हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 144 पेन हो गया। ठीक है, अब अच्छे के अनुकूल परिणाम, अच्छे दिखाई दे रहा है बुआ? पेन के कितने बढ़िया दिखाता है अनुकूल परिणाम कितना आएगा? 132 अच्छा पेन है, बोलो ना इसने बार। अच्छे पेन की प्रायिकता बराबर अच्छे पेन की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या था? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल कितना है रे भाई बा? 132। अकुल कितना है रे? 144। बराबर 144 है 12 11 132 यानी कि 11/12 आंसर। अब आइए
कहता है तीन सिक्के को एक बार फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या क्या होगा पश्चिमा का, तो कुल परिणामों की संख्या 8 होगा, कुल परिणामों की संख्या संख्या बराबर 2 के पावर 3, 8 हो गया। ठीक है, अब भाई छठा नंबर क्वेश्चन, पी बराबर, ओहो माई के माई, पी बराबर कितना रे 0.05। कहता पी नहीं मतलब पी डैश ई मांगता है, हम जानते हैं कि पी डैश बराबर क्या होता है, 1 माइनस पी, और 1 माइनस पी 1.05, जब इसको घटाइएगा ना तो 0.05 घटाइएगा, पैसा लीजिएगा 10 10 5 9, ये हो जाएगा 10 10 5 5 9 में 0 9, यानी कि 0.95 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो ये समझे क्वेश्चन को, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए साथियों, कहता है एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है, इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद की प्रायिकता की दुगुनी है, इस थैले में गेंदों की संख्या ज्ञात करें। मान लीजिए कि एक थैला है, झोला है, तो कुल परिणाम माना कि नीली गेंद के कुछ नीली बोला है, तो माना कि नीली गेंद की संख्या x है, मान लीजिए संख्या कितनी है x है, हल में आ गया, हल लिख रहे, हल में आ रहा है। ठीक है, माना कि नीली गेंद की संख्या x है, तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल परिणाम बराबर हो जाएगा 5 प्लस एक्स, कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है नीली गेंद निकालने की प्रायिकता मतलब पी एन ब्लू अब बराबर पी आर मतलब नीली गेंद की प्रायिकता कितना, अनुकूल कितना एक्स, कुल कितना है 5 प्लस एक्स। लाल गेंद की प्रायिकता पी आर बराबर लाल गेंद कुल परिणाम 5, कुल परिणाम 5 प्लस एक्स। कहता नीली गेंद की प्रायिकता लाल गेंद की प्रायिकता के दुगुनी 2 से गुना। अब आइए एक्स बटे 5 प्लस एक्स बराबर 5 गुनी 10 बटा 5 प्लस एक्स, समीकरण बराबर से ऊपर ऊपर नीचे करता है, इसीलिए एक्स बराबर दस। अब लिखेंगे अतः नीली गेंद की या गेंदों की संख्या बराबर एक्स, और एक्स बराबर कितना 10 आंसर, थैला में कितना गेंद है 10। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। आइए अब जो है ना क्वेश्चन बनाते नहीं हम पढ़ते हैं, और क्वेश्चन को आप लोग लिखिएगा कॉपी में। आइए साथियों क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है एक जार में 24 कंचे हैं, कुछ हरे और शेष नीले है। एक जार में 24 कंचा है, कुछ क्या कहता है हरे हैं और शेष नीले हैं। यदि इस जार में से यदृच्छा है कंचा निकाला जाता है तो इसे हरे होने की प्रायिकता, अगर होने की प्रायिकता 2/3 है तो इस जार में नीले कंचों की संख्या ज्ञात करें। माना कि सवाल को 8वां क्वेश्चन होगा इस सीरीज का, माना कि हरे कंचे की संख्या बराबर x, और नीली कंचा कितना हो जाएगा, नीली कंचों की संख्या क्या हो जाएगा 24 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि जार में 24 है कंचा है, जिसमें बोला कुछ हरा है कुछ नीली है। ठीक है, तो कुल परिणाम बराबर 24 हो जाएगा। आने हरे के अनुकूल परिणाम एक्स है, हरा एक्स है ना, कहता है तो हरे कंचे की प्रायिकता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हरे कंचे की प्रायिकता, हरे कंचे की प्रायिकता क्या होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल कितना है एक्स, कुल कितना है 12। लेकिन रे बउआ बोलता है हरे कंचे की प्रायिकता 2/3 है,
तो लिख देंगे 2/3 है बराबर एक्स बट्टा यानी कि कितना 12, 3 × 12 या एक्स बराबर 8, एक्स बराबर 8, ये कितना निकल गया एक्स बराबर 8। ठीक है, हमें तो पूछा क्या, हमें पूछा है कि नीली कंचों की संख्या क्या होगा, तो लिखेंगे नीली कंचों की संख्या बराबर नीली दो, अरे दोनों का योग 24 था, एगो 8 है तो 16 होगा, हटा के नीली कंचों की संख्या बराबर 24 - x यानी कि 24 - 8 यानी कि अतः 16, इसमें कितनी कंचा है नीला 16 है। साथियों पूरे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मैंने दे दिया हो, आप इस वीडियो को देखिएगा, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं आएगा। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब लाइक करिए ना करिए लेकिन देखिए आप जरूर। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।